आज हम बांदा पीएम हाउस के सामने हैं और यहाँ पर जो पीएम हाउस के डॉक्टर हैं उनके द्वारा हड़ताल चल रही है और जो ओरन के एक ही परिवार के चार लोग ख़त्म हुए हैं उनकी डेड बॉडी यहीं पर रखी हैं। अब उन लोगों का ये भी आरोप है कि जो पुलिस की लापरवाही है और हमारे जो डेड बॉडी का यहाँ से समय से पोस्टमार्टम हो जाए तो हम उनके तिरियाक्रम समय से कर दें। कितने लोगों की वहाँ घटना हुई? चार। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। कैसी घटना हुई है? मोटरसाइकिल से। कहाँ लोग जा रहे थे? गांव जा रहे थे, वालन लामा से गए, नाला में गए थे निमंत्रण जी, उधर से भी जाके वापसी भाई, बाप जो है मोटर में निकल गया है और लड़का बच्चा जो है मोटरसाइकिल में गए, तो ये बीच में हादसा हो गया। हादसा हो गई। कैसे जानकारी मिली आपको? आधार कार्ड से। पुलिस के द्वारा? पुलिस द्वारा, पुलिस जब गई, जब जाके पुलिस आधार कार्ड देखा तभी जाके वहाँ फोन लगाया, फोन लगा के फिर पता दिया, फिर वहाँ से आए घर। तो आपको कहाँ मिले थे? हम वहाँ नहीं थे, हमारा गांव बड़ी बड़ों पर है, हमको शाम को पता चला है जब रिश्तेदार हमारे यहाँ से गए। थाना बिसंडा क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 35.7 किलोमीटर के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिस पर कुल चार लोग सवार थे। अब मौके पर ही दो भाइयों की, जिसमें एक की उम्र 20 वर्ष थी, दूसरे की उम्र 8 वर्ष थी, मृत्यु हो गई। माँ बेटी को तत्काल पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहाँ पर दोनों का इलाज चल रहा था। थोड़ी देर पहले माँ और बेटी दोनों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार मोटरसाइकिल पर सवार चारों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। जानकारी में आया है कि महिला अपने बेटे और बेटी के साथ थाना कोतवाली देहात अंतर्गत लामा गांव बहन के यहाँ गई हुई थी, लौटते समय ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। और ये ओरन थाना बिसंडा के रहने वाले थे, पंचायतनामा भरकर इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।